विधायक जटाशंकर त्रिपाठी, जो कि खड्डा विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने खड्डा तहसील प्रांगण में अपनी बातों पर बहुत बल देते हुए ये कहा कि छितौनी में जो कोविड हॉस्पिटल है वो 100 बेड का है और उस हॉस्पिटल के आगे मुंबई का वेदांता हॉस्पिटल फेल है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की हम बात करेंगे। इस बार फिर बोला कि छितौनी में आप 100 बेड का जो ऑक्सीजन अस्पताल बन रहा है उसको जाकर के देखिए। मुंबई का वेदांता और दिल्ली का वेदांता झूठ है। आपको देखते ही आपको टेबल मिलेगा जिस पर मरीज बैठ करके खाना खा सकता है। एयर कंडीशन अस्पताल और एयर कंडीशन बाथरूम, आप कल्पना करिए। वेदांता में भी एयर कंडीशन बाथरूम नहीं है। वहाँ पर एयर कंडीशन बाथरूम और पानी को गर्म करने के लिए हर बाथरूम में गीजर लगा हुआ है। अभी आपने सुना विधानसभा खड्डा के विधायक जटाशंकर त्रिपाठी को। इन्होंने यह दावा किया है कि छितौनी नगर पंचायत में बने कोविड हॉस्पिटल में 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है, जबकि दैनिक समाचार पत्रों के अनुसार, जो कि दैनिक भास्कर में छपा हुआ है, स्वतंत्र चेतना में छपा हुआ है, साफ संदेश में छपा हुआ है कि 100 बेड की जगह केवल 72 बेड है। यदि विधायक जटाशंकर त्रिपाठी के दावे सही हैं, तो क्या स्थानीय संवाददाता ने जो लिखा है, क्या उन्होंने झूठ लिखा है, या फिर विधायक जटाशंकर त्रिपाठी जो दावे कर रहे हैं वो झूठ दावे कर रहे हैं। विधायक जटाशंकर त्रिपाठी, जो कि खड्डा विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, जनता के बीच में रहते हैं, शायद वो ये भूल गए हैं कि जनता को एयर कंडीशन हॉस्पिटल और एयर कंडीशन बाथरूम की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की जरूरत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल तो लगभग सभी ग्राम सभाओं में है, किंतु डॉक्टर वहाँ नहीं रहते हैं। पास में ही एक हॉस्पिटल है बरवरतनपुर में, जहाँ की डॉक्टर नहीं रहते। छितौनी नगर पंचायत में महिला हॉस्पिटल है, किंतु वहाँ पे महिला डॉक्टर नहीं रहती। जिस क्षेत्र में विधायक जी हमेशा दौरा करते हैं और उस क्षेत्र की जनता को विधायक जी पर बहुत विश्वास है, बहुत ही उस क्षेत्र की जनता विधायक जी से प्रेम करती है। मैं बात कर रही हूँ नारायणी पार शिवपुर की, जहाँ पर हॉस्पिटल तो है किंतु वहाँ पर डॉक्टर नहीं है और वहाँ की जनता को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि वहाँ कोई बीमार हो जाता है तो वहाँ से बिहार होते हुए लोग लेकर खड्डा को आते हैं या फिर बगहा दूसरे प्रांत में लेकर जाते हैं। तो क्या विधायक जी आपको ये नज़र नहीं आता कि केवल हॉस्पिटल खड़ा कर देने से कोई मतलब नहीं बनता, वहाँ पर डॉक्टर की आवश्यकता है। हाँ, एक बात और आपने कहा कि एयर कंडीशन बाथरूम और एयर कंडीशन रूम, तो एयर कंडीशन बाथरूम और एयर कंडीशन रूम तो वहाँ पर ऑलरेडी है, क्योंकि वहाँ पर ना तो डॉक्टर हैं, ना ही वहाँ पर देख रेख के लिए किसी को रखा गया है और वह टूट फूट कर एयर कंडीशन हो गया है। तो जिस हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं कि एयर कंडीशन है, वहाँ पर समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार सारे सामान लोकल के हैं, और जो आप वेदांता हॉस्पिटल की समानता कर रहे हैं कि कोविड हॉस्पिटल छितौनी के आगे वह फेल है, वेदांता हॉस्पिटल फेल है, तो क्या वेदांता हॉस्पिटल में कटरेन यानी कि अल्वेस्टर रखे हुए हैं या फिर पक्की निर्माण है? जिन भी हॉस्पिटलों का नाम मैंने गिनवाया है, उन सभी हॉस्पिटलों में एक भी डॉक्टर नहीं रहते हैं। बरवरतनपुर में केवल फार्मासिस्ट रहते हैं और छितौनी नगर पंचायत में महिला डॉक्टर के लिए वहाँ के लोग तरस रहे हैं, वहाँ की महिलाएं तरस रही हैं, किंतु क्या फायदा, क्या हॉस्पिटल इलाज करेंगे या फिर डॉक्टर? केवल एयर कंडीशन बाथरूम और एयर कंडीशन रूम माने नहीं रखता, माने रखते हैं तो डॉक्टर। तो क्या जनता को इसी तरह से परेशानियों का सामना करना होगा? जनता इसी तरह से बेहाल रहेगी, डॉक्टरों के बिना तरसेगी? और आप अपनी पार्टी का,
अपने कार्यों का ढिंढोरा पीटते रहेंगे। ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होता, सुविधाएं चाहिए, डॉक्टर चाहिए। बिना एयर कंडीशन बाथरूम के भी खड्डा क्षेत्र की जनता रह सकती है, किंतु डॉक्टरों के बगैर नहीं। डॉक्टर मुहैया कराइए और सभी हॉस्पिटलों में डॉक्टर मुहैया कराइए। जनमन खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।